संगीत तो बिल्कुल शांत चुपचाप, किसी का कोई बुरा नहीं चाहता, अपनी लाइफ जीता है, दूसरों को दूसरों की लाइफ जीने देता है। जोरावर बिल्कुल ही अलग है, वो कभी शांत नहीं बैठता, वो ना खुद शांति से जीता है ना किसी को शांति से जीने देता है। सो ऑफकोर्स मज़ा आता है, बिकॉज आप जो हो और आपको उसको बिल्कुल अगेंस्ट कोई डिफरेंट काम करना है तो ऑफकोर्स मज़ा आता है, चैलेंजिंग होता है। और अंकित कैसे खड़ा होता है और जोरावर कैसे खड़ा होता है, अंकित हेलो कैसे बोलता है, जोरावर हेलो कैसे बोलता है, वो सब उस चीज़ को लाने में टाइम लगा और मेहनत लगी और मज़ा आ रहा है। मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा। इसके मैंने 3 अलग अलग शेड्स रखे हैं, भाई के साथ बिल्कुल दिखाता है ऐसा कि लक्ष्मण की तरह है, बट वो है बहुत ही शातिर, वाइफ को वो कुछ समझता ही नहीं है, तो वहाँ मैंने बिल्कुल अलग रखा है। तो भाई साहब के सामने ऐसे रखा है कि लक्ष्मण, वहाँ बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं, नेगेटिविटी नहीं। भैया ने डांटा तो ओके, लेकिन जोरावर को अगर कोई डांट दे ऊँची में तो वो क्या कर सकता है, जोरावर डिफरेंट है, बीवी को कुछ समझता नहीं, अलग। 3 अलग अलग शेड्स रखे हैं, तो कोशिश करी है कि अच्छा लगे सबको। अब 1 तारीख को पता चलेगा कि कितना अच्छा लग रहा है या कितनी ज़रूरत है और बदलने की। सो लेट्स सी क्या होता है। जब पहली बार मुझे स्टोरी बताई गई थी, सबसे पहली बात तो मेरे लिए दो, ये शो लेने के 2 बहुत बड़े रीज़न थे, एक था कॉन्टिलो और एक कलर्स। और कॉन्टिलो कलर्स ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टिलो ने मुझे एक शो दिया था अशोका, जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा शो था, और वो कलर्स भी आया था। तो वो दोनों मतलब ऐसे हैं कि वो मैं मना ही नहीं कर सकता। कॉन्टिलो जैसे मेरा घर है, मैं मना ही नहीं कर, मैं सोचूंगा भी ना नहीं 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 नहीं, नहीं करूँगा। सो पहली बात तो ये थी। तो लेकिन हाँ, जब मैंने इसको देखा, इसको पढ़ा, इसको समझा, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। और कई बार क्या होता है, बताने में अलग होता है, जब आपके हाथ में स्क्रीन पे चीज होती है तब अलग होता है, और जब आप सेट पे होता है बिल्कुल अलग होता है। तो वो जो मैंने छोटी छोटी चीज़ों में उसके बदलाव देखे ना, उस बदलाव में जो मुझे मज़ा आया ना, तो इस चीज़ को मतलब मैंने इन्जॉय किया है। और जब आप किसी काम को इन्जॉय करते हो ना, तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा लगता है। और आई एम लकी कि मुझे इतना अच्छा शो, इतना अच्छा कैरेक्टर करने को मिला। देखिए, वो जो सुपर नेचुरल जो भी शोज़ हैं, वो एक एंटरटेनमेंट करने के लिए, उससे कुछ आप सीख, मतलब एक सिर्फ एंटरटेनमेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब आप इन्जॉय कर सकते हो। अब जब बात हमारे शो की आती है, तो ये दंगल तो बिल्कुल नहीं है, दंगल जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दंगल 2 साल पहले आ गई थी, तो आज आप ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर दंगल 2 साल 3 साल पहले नहीं आई होती तो नहीं पूछते। दंगल एक बाप बेटी की कहानी है, ये एक बाप बेटी की कहानी है, एक बेटी भाई बहन की कहानी है, एक भाई भाई की कहानी है, एक माँ बेटी की कहानी है। दंगल में फादर बेटी को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर वो बेटी को सपोर्ट नहीं कर रहा, सोसाइटी नहीं कर रही है। दूसरी बात यह कि हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी इस चीज़ में लेकर आए हैं, जैसे छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनकी पढ़ाई नहीं होने देते, इतना लंबा घूंघट लेकर चलो, थोड़ी सी एज हो गई है, शादी कर लो, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम लेकर आ रहे हैं। इसका बेस ज़रूर ऐसा है कि कुश्ती है, बिकॉज उसका फादर ही, उनका बैकग्राउंड ही ऐसा था, तो वो सोचती है कि वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। लेकिन वो ये नहीं सोचती कि सिर्फ वो, हर मतलब लड़की क्यों नहीं कुछ कर सकती। आज की सोसाइटी में देखो, आप भी कर रही हैं, चैनल में देखिए, हमारी इंडस्ट्री में देखिए, और किसी भी फील्ड में लड़कियां सिर्फ बढ़ती जा रही हैं आगे। और मुझे लगता है कि ये शो जो हमारा, जो जैसे मैं सुपर नेचुरल शोज इन सब की बात कर रहा था, वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा होता है। और ये जो शो है, इसको अगर आप एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देख करके, कुछ सीखने के लिए अगर देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हमारे इस शो की वजह से थोड़ा सा भी बदलाव सोसाइटी में आता है, लोगों की सोच में आता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो मैं तो बस सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इसको शो की तरह मत देखना कि आधा घंटा अच्छा देखते हैं, देखना भी और कुछ सीखना भी, और सब मिलकर देखना और सबको दिखाना। मैं सबको सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा, मुझे बहुत सपोर्ट किया है सब ने, बहुत रिस्पेक्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, उसी प्यार के सपोर्ट की हमें फिर से ज़रूरत है, मुझे खासकर है, क्योंकि मेरे लिए वो हिस्टोरिकल से यहाँ आना एंड लोग मुझे इसको इस कॉस्ट्यूम में क्या रिस्पॉन्स देंगे, मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ सब पॉजिटिव रहे, और ये शो सबके लिए बहुत अच्छा वर्क करे। और फिर मैं वही कहूँगा, शो जो है, अगर आपकी लाइफ में बदलाव लाता है, तो वही एक एक्टर का एक सी, हम सिर्फ काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है। अगर उस चीज़ से आपकी सोसाइटी में कोई बदलाव आ जाना, तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो वही मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत तो बदलाव आ ही जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित अरोरा, मैं टेली रिपोर्टर देखता रहता हूँ। आप भी देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।